इंसान के पास हर चीज में महारत हासिल करने की ट्रेनिंग अवेलेबल है, लेकिन आज का दिन जो है वो सबसे स्ट्रेसफुल भी है, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा है, आज ऑप्शंस ज्यादा है, आज चिंता ज्यादा है, आज ट्रस्ट की कमी है, आज कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, थकावट बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, पेशेंस बहुत कम है, और पता नहीं क्या क्या, ट्रस्ट तो है ही नहीं, सब एक दूसरे का गला काटने में लगे हैं, क्योंकि अनलिमिटेड डिजायर है, क्योंकि अनलिमिटेड डिजायर है, बहुत ज्यादा भागदौड़ है, इनकम को अनलिमिटेड लेवल पे बढ़ाने का प्रेशर बहुत ज्यादा है, रिजल्ट लाने का प्रेशर ज्यादा है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है, अपनी बीवी को छोड़ के सब सुंदर लगती है, है? और सर ऐसा ही है ना, नहीं नहीं अच्छा ठीक है, अच्छा लैक ऑफ ट्रस्ट इन रिलेशनशिप। दोस्तों मैंने कहा आज जंगल राज है, क्या है जंगल राज है, आज जंगल राज है, आज जंगल राज एक ही चीज कहती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज आपको कैंसर हो जाए कोई आपकी मदद करने नहीं आने वाला है, आपको और आपके घर वालों को ही सफर करना पड़ेगा। पहले होता था कि एक भी प्रॉब्लम हो गई पूरा गांव आ जाता था मदद करने, आज कोई नहीं आएगा, या तो आपकी कमाई काम आएगी या आपके घर वाले काम आएंगे, दो ही चीज काम आएगी, पड़ोसी दो दिन आएगा रोएगा आपके साथ, या ज्यादा ज्यादा आपके साथ ये सांत्वना देगा, तीसरे दिन से वो आना बंद कर देगा, बोले आप रोज रोज क्या जाए यार, इसकी तो बीमारी अब 4 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी, जब तक नहीं मरेगा तब तक चलेगी, क्यों जाए। तो आज जंगल राज है, और जंगल राज कहता है मेरे साथ बोलिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नाउ द क्वेश्चन इज आर यू द फिटेस्ट। फिटनेस डजंट मीन बॉडी, बॉडी फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूं सर, फाइनेंशियल फिटनेस की बात कर रहा हूं, नॉलेज लेवल पे फिटनेस की बात कर रहा हूं, रिलेशनशिप के लेवल की फिटनेस की बात कर रहा हूं। क्या आप ऐसे हैं कि आपकी एक आवाज पे 500 लोग खड़े होकर आपके लिए मदद के लिए 5 लाख दे सके, 15 लाख दे सकते, 50 लाख दे सकते। हमारे ग्रुप में एक लेडी थी सविता, उसकी बेटी मर गई थी और उसके बाद उसको बहुत लोन का प्रेशर आया, मैंने एक आवाज मारी 15 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और उसको दिया। आज हमारे पास वो पोटेंशियल होनी चाहिए कि अगर मैं चाहूं कि एक महीने के अंदर, अभी मैं प्रोग्राम में था दिल्ली में, 100 लोग मेरे सामने थे, मैंने कहा भैया आप में से कोई भी आदमी मेरे साथ इन्वेस्टर बनना चाहे तो आ जाए, फटाफट 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 15 मिनट में खड़ा हो गया। आज क्या फाइनेंशियल फिटनेस है, आज क्या आपकी लैंग्वेज की फिटनेस है, आज आपकी कम्युनिकेशन फिटनेस है, क्या आप फिट हो, क्या फिजिकल फिटनेस तो कोई भी हो सकता है, उसका तो मैटर ही, वो तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मुझे 8 घंटे बोलना है तो मेरे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए, मेरी बॉडी में उतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि मैं बोल सकूं, कि मेरे गले में उतनी ऊर्जा होनी चाहिए, मेरे शरीर में उतनी ऊर्जा होनी चाहिए, वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है भाई। तुम फिजिकल फिटनेस की बात कहां कर रहे हो, फाइनेंशियल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, रिलेशनशिप की फिटनेस, ट्रस्ट लेवल की फिटनेस, क्या उस फिटनेस पे है। अगर जो फिट नहीं है वो बर्बाद हो जाएगा, एक भी चीज में फिट नहीं है तो इंसान, अगर कोई इंसान फाइनेंशियली फिट नहीं है एक छोटा सा झटका उसे बर्बाद कर देगा। दोस्तों ये शेर ना तो टॉलेस्ट है ना फास्टेस्ट है ना स्ट्रॉन्गेस्ट है ना मोस्ट टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी भागा है क्योंकि ये सोचता है कि आई कैन डू इट। फाइनेंशियली फिट होने के लिए सोचना पड़ेगा कि आई कैन डू इट, और आई कैन डू इट ये सोच सिर्फ सोच के लेवल पे नहीं होनी चाहिए, हर एक एक्शन के लेवल पे होनी चाहिए, हर एक एक्शन के लेवल पे, हर एक एक्शन के लेवल पे। आपको पता है आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, आपको पता है आगे बढ़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, किसी से मिलना पड़ेगा, कहीं पे सीखना पड़ेगा, कहीं पे बात करना पड़ेगा, कहीं पे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कहीं पे प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या सफल होने के लिए बात करने की कला को इंप्रूव करना चाहिए, कितने लोगों को लगता है, क्यों लगता है, क्यों लगता है कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों 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 इंपॉर्टेंट है। हम अपनी चीज, मैं सुबह से कम्युनिकेशन ठीक कर रहा हूं तो आपको समझ में आ रही है, नहीं तो आप 1 मिनट भी नहीं टिकते, आधा घंटा भी नहीं टिकते। ट्रू, हाँ जी, लोग आपका इंटेंशन नहीं आपके प्रेजेंटेशन। कल परसों हम एक सेमिनार ले रहे थे और हम यही बात वहां पे शेयर कर रहे थे कि भैया सुनिए, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो बिकेगा नहीं जब तक उसके बारे में कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। कई बार एवरेज प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन अच्छा हुआ तो एवरेज प्रोडक्ट सोने के भाव बिकेगा, इज दैट ट्रू और नॉट। तो हर क्षेत्र में कम्युनिकेशन लगने वाला है क्योंकि दिन भर में 17 घंटे आप और मैं क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन।
हर एक क्षेत्र में कम्युनिकेशन, कुछ सीख रहे हैं तो कम्युनिकेशन, कुछ नहीं सीख रहे तो कम्युनिकेशन, जब हर चीज में कम्युनिकेशन है मेरे दोस्तों, तो इस कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और करना चाहिए तो कब से करेंगे? और कई लोग आप में से कम्युनिकेशन पे काम करने के लिए आपने कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स लिया होगा, कितने लोगों ने लिया है प्लीज टेल मी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 पीपल हैव टेकन, बाकी लोगों ने क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? नहीं करना इम्प्रूव तो क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया सर? नहीं करना इम्प्रूव? कितने लोगों की अंग्रेजी अच्छी नहीं है? रेज योर हैंड। अच्छा, आप सभी की अंग्रेजी अच्छी नहीं है। कितने सालों से आपको पता है मैडम कि नहीं है अच्छी? कितने सालों से लगता है कि अच्छी होनी चाहिए थी? 2-3 सालों से लगता है कि अच्छी होनी चाहिए थी सर। कितने सालों से लगता है अच्छी होनी चाहिए थी? 5 सालों से लगता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको 10 सालों से लगता है कि अच्छी होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं अभी? Look at the hands around that। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। कितने लोगों को ऐसा लगता है सेल्स अच्छी होनी चाहिए, सेलिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए? ओके, सभी को क्यों होनी चाहिए अच्छी? क्यों होनी चाहिए सेल्स अच्छी? बिजनेस के लिए है। और क्यों होनी चाहिए सेल्स अच्छी? सेल्स दुनिया में सब कुछ सिखा देता है, कम्युनिकेशन सिखा देता है, प्रेजेंटेशन सिखा देता है, वेरी ट्रू। अब लोग कोई 10 साल से अंग्रेजी किसी की अच्छी नहीं है। आपको पता है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, रियल एग्जांपल है। मेरे एक कस्टमर है जिनका नाम है रामलाल जाट। रामलाल जाट और उसी का एक दूसरा सामरा जाट, दो दोस्त हैं, ठीक है? दोनों का मार्बल का बिजनेस है, मेरे होम टाउन से हैं दोनों के दोनों, मार्बल का बिजनेस है। एक दिन मैं मेरे होम टाउन में सेमिनार दे रहा था, और होम टाउन में जब सेमिनार दे रहा था, पहला सेमिनार और आखिरी सेमिनार मेरा था, वो अभी तक का, ओके, अभी तक का, आगे मैं कोर करूंगा वो बात अलग है। बहुत हिम्मत से मैंने मेरे होम टाउन में सेमिनार किया था, क्योंकि यार होम टाउन में करने में बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि सारे बचपन के सारे दोस्त और सब लोग वहां होते हैं। रामलाल और सौमरा दोनों के दोनों अच्छे दोस्त थे, सेम गांव में पढ़े लिखे, सेम तरह की खेती, सेम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए। दोनों ने मार्बल का बिजनेस डाल दिया, दोनों ने साथ में डाला, दोनों ने सेम पूंजी के साथ डाला। इनफैक्ट शुरुआत में कुछ एक आधा साल दोनों पार्टनर थे, फिर दोनों बराबर के पार्टनरशिप में स्प्लिट होके अपना अपना करने लगे। रामलाल का बिजनेस 10 साल के बाद 20 करोड़, सांवरे का बिजनेस 10 साल के बाद 1.5 करोड़। और जब मैंने ये बातें चीते की, तो सांवरा मेरे पास आया और बोलता है, यार भूपेंद्र मैं तेरी बात समझ गया यार। मुझे लगता था रामलाल लकी है इसलिए उसका बिजनेस बढ़ा, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि रामलाल का, बीच बीच में वो मुझे कई बार कहता था कुछ सीख ले, कुछ कर लेते हैं अपन, कहीं सीखते हैं, तो वो बीच बीच में कभी अजमेर जाता था और कुछ सीख के आता था, कभी पब्लिक स्पीकिंग, कभी कम्युनिकेशन स्किल, कभी अंग्रेजी की कोई क्लास लेता था, कभी कभी वो बाहर भी गया, दिल्ली बॉम्बे भी गया, किसी मोटिवेशनल स्पीकर का सेमिनार अटेंड करने भी गया, लेकिन मैं हमेशा उसको कहता था पागल हो गया क्या, क्या कर रहा है? बोले रामलाल का माइंडसेट मेरे से ज्यादा डिफरेंट आ गया, रामलाल ने मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, रामलाल की पर्सनालिटी मुझसे ज्यादा अच्छी हो गई, तो रामलाल को 10 करोड़ रुपए आज मिल रहा है। यानी रामलाल कितने पैसे ज्यादा कमा रहा है, 8.5 करोड़ साल का, उसमें से प्रॉफिट 10 लाख, 10% दिए तो 85 लाख रुपए साल का एक्स्ट्रा कमा रहा है। बोलता है हम दोनों ने 10 साल पहले जब शुरू किया तो मेरा और उसका सिर्फ 20-20 लाख रुपए का बिजनेस था, लेकिन हर साल अगर रामलाल ने अपनी ग्रोथ की तो 8.5 करोड़ आने के पहले उसका 7 करोड़ था, उसके पहले उसका 6 करोड़ था, उसके पहले उसका 5.5 करोड़ था। यानी कि अगर उसने 10 साल की कैलकुलेशन करी तो रामलाल ने 10 करोड़ रुपए पूरे के पूरे एक्स्ट्रा कमा लिए और इसने 10 करोड़ रुपए पूरे के पूरे लॉस कर दिए। अब मुझे बताइए 10 साल से नहीं सीखने का कितना बड़ा नुकसान है। मैं आपको बताऊं, अगर 2005-06-07 मैं ये नहीं सीखता तो अभी भी मैं शायद 50,000 की नौकरी कर रहा होता और मैं अभी तक अपना आराम से 70-80 करोड़ का नुकसान कर चुका होता। पहले 8.5 साल जिंदगी के नहीं सीखा और 8.5 साल में मिलके सिर्फ 25 लाख कमाए, दूसरे 12 साल जिंदगी के हर रोज सीखा और 70 करोड़ रुपये के आसपास कमा लिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है।
और ये कमाना छोड़िए, ये तो बहुत तुच्छ चीजें हैं छोटा मोटा कमाना, लेकिन आज 1 करोड़ की मेरी फैमिली है एक तरह से, 1 करोड़ लोगों को मैंने इंस्पायर किया है, उन्होंने कभी ना कभी मेरा कोई ना कोई ट्रेनिंग अटेंड किया है, ज़्यादा ने किया हो तो पता नहीं, यूट्यूब पे तो कम से कम 7-8 करोड़ लोगों ने आके पिछले 3-4 सालों में विजिट किया है। विजिट करने वालों की बात नहीं कर, ट्रेनिंग लेने वालों की बात कर रहे हैं। तो क्या ये बेकार है? यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना रहे आप? कितने लोगों का यूट्यूब चैनल है? कितना कमा रहे हो उससे? कौन उससे 20,000 रुपये महीना कंसिस्टेंट कमा रहा है? अगर आप 20,000 रुपये उससे कंसिस्टेंट कमा रहे हो, मतलब आपने यूट्यूब चैनल बनाया ही नहीं है। बनाने का मतलब ये नहीं है कि ईमेल आईडी बना के छोड़ दिया, उसका यूज भी तो करना होता है ना हर हफ्ते। पैसा बट रहा है, मेरे साथ बोलो पैसा बट रहा है, हम नहीं लेंगे। ऐसे करो, पैसा बट रहा है, हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? आपको पता है YouTube 55% इनकम जो होती है उसको क्रिएटर से होती है YouTube को, और उसकी जो 55% इनकम, अगर YouTube को कोई 1 लाख रुपए देता है उसमें से 55,000 YouTube मेरे को देता है अगर मेरे वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं तो। मैंने पिछले 3-3.5 साल में सिर्फ YouTube चैनल पे हर हफ्ते 2 वीडियो डाल के मिनिमम 8-10 करोड़ कमा लिया है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, मेरा एक सिंगल वीडियो अंग्रेजी कैसे सीखें 90 दिनों में, ये एक सिंगल वीडियो ने मुझे कम से कम 2.5-3 करोड़ का बिजनेस दे दिया है, और इस एक सिंगल वीडियो के वायरल होने से 8.5 लाख सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आए हैं एक सिंगल वीडियो से। और पता है मेरा एक वीडियो, दुकान लेते हो आप कहते हो दुकान ले लो 15,000 में किराए पे दे दो, मेरे कम से कम ऐसे 50 वीडियोस हैं जो हर महीने मुझे 15,000 का किराया देते हैं। इतनी पावर है यूट्यूब में, एक वीडियो बना दिया जिंदगी भर रिटर्न देगा, जिंदगी भर पैसा मिलेगा, जिंदगी भर उस वीडियो से सब कुछ होगा, एक वीडियो। लेकिन हम कहते हैं ओ मेरे व्यू नहीं आ रहे, अच्छा तो तुम्हारे लिए बैठा है दुनिया। अरे उसमें तुमने इम्प्रूव किए, बिना कम्युनिकेशन इंप्रूव किए, बिना सीखे, बिना प्रेजेंटेशन इंप्रूव किए, सब कुछ किए और तुम कह रहे हो व्यू आ जाए, क्यों भाई? दुनिया के पास काम नहीं है, थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन पे काम करो। आपको पता है कितना लॉस कर रहे हो हर रोज? आपको नहीं पता है सर, जो हमारा है ही नहीं वो कहां लॉस किया हमने? इसको बोलते हैं पोटेंशियल लॉस। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल लॉस। एक मिनट के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे, थोड़ा एनर्जी डाउन जा रही है, ऐसे करेंगे।